अधिकारी ज्योति मौर्य की कहानी। साधारण घर की बेटी, शादी के बाद पति ने पहचानी प्रतिभा, फोर्थ क्लास की नौकरी कर बीवी को बनाया अफसर। हर एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बहुत ही कम मामले या किस्से ऐसे होते हैं जहां ये देखने को मिलता है कि एक आदमी ने अपनी बहन, बीवी या प्रेमिका के लिए थर्ड क्लास की नौकरी की और किसी महिला को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाया। आज ऐसे किस्से की बात हम करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ शख्स को इतना सब करने के बाद भी सिर्फ बेवफाई मिली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्योति मौर्य की। नाम तो सुना होगा, आजकल सोशल मीडिया पर तेजी से ये नाम वायरल हो रहा है और एक अधिकारी रैंक की महिला को जमकर फटकार भी लगाई जा रही है। लेकिन कहा जाता है ना, रील और रियल लाइफ में फर्क होता है। हर कोई सूर्यवंशम फिल्म का हीरा ठाकुर नहीं बन सकता, ना उतना सम्मान और प्यार सामने से मिल सकता है। यहाँ बरेली में एक शख्स अपनी बीवी के लिए हीरा ठाकुर बन गया, लेकिन उसकी पत्नी राधा नहीं बन पाई। चलिए अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। बरेली की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य अपने पति सफाई कर्मी आलोक मौर्य को छोड़ने को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों के गुस्से का शिकार हो रही हैं। मामले से जुड़ी अब तक की कहानी जो बाहर आई है वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ज्योति मौर्य का मायका वाराणसी में है। वो बेहद साधारण परिवार से है। ज्योति के पिता वाराणसी में एक छोटे सी दुकान चलाते हैं। ज्योति बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थी। हालांकि इसके बाद भी घर वालों ने 2010 में ज्योति की शादी ग्रेजुएशन करने के दौरान ही प्रयागराज के धूमनगंज में तैनात आलोक मौर्य से कर दी। खबरों की माने तो शादी के बाद जब ज्योति अपनी ससुराल पहुंची तो पति आलोक ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उन्होंने ही उनकी आगे की पढ़ाई पूरी कराई। इस बीच आलोक को फोर्थ श्रेणी की नौकरी मिल गई। आलोक ने खुद बतौर सफाई कर्मी की नौकरी कर ज्योति को आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पढ़ाई के साथ साथ कामयाब बनाने के लिए आलोक ने प्रयागराज में ही ज्योति की UPSC की तैयारी कराई। लिखने पढ़ने में तेज होने की वजह से ज्योति मौर्य ने साल 2015 की PCS परीक्षा में 16वीं रैंक हासिल की थी। इस सफलता का श्रेय तब उन्होंने अपने ससुर को दिया था। आजमगढ़ निवासी ज्योति PCS बनने के बाद जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज और लखनऊ में तैनात रह चुकी हैं। उनकी शादी 13 साल पहले आलोक मौर्य से हुई थी। उनकी दो बेटियां भी हैं। आलोक ने ज्योति और मनीष पर लगाए हैं हत्या के आरोप। ज्योति मौर्य उनके होमगार्ड कमांडेंट प्रेमी मनीष दुबे पर प्रयागराज के धूमनगंज निवासी पति आलोक मौर्य ने हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। पति ने इसकी शिकायत होमगार्ड मुख्यालय में दर्ज कराई थी। DG होमगार्ड VK मौर्य ने प्रयागराज के डिप्टी कमांडेंट जनरल संतोष कुमार को जांच सौंपी। वहीं धूमनगंज इंस्पेक्टर राजेश मौर्य ने बताया कि ज्योति ने पति समेत अन्य पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया। 2015 में ज्योति का PCS में चयन हुआ। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक मनीष दुबे गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात है। उसका एक महिला होमगार्ड के साथ अफेयर भी था। उस पर लखनऊ की एक युवती से विवाह करने का भी आरोप है। मूल रूप से आजमगढ़ निवासी पीड़ित पति प्रतापगढ़ में सफाई कर्मी है। आलोक की शादी 2010 में वाराणसी की ज्योति से हुई थी। 2015 में ज्योति PCS में चयनित हो गई। कई जिलों में SDM रहने के बाद वर्तमान में बरेली में तैनात है। 2015 में ही उसने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। आरोप है कि 2020 में वो होमगार्ड कमांडेंट मनीष के संपर्क में आई और पति से दूर होती चली गई। आपको बता दें कि बरेली में तैनात महिला PCS अधिकारी ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने होमगार्ड मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी पत्नी का गाजियाबाद के होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ अफेयर चल रहा है और दोनों उनकी हत्या कराने की साजिश रच रहे हैं। उनकी शिकायत पर DG होमगार्ड VK मौर्य ने प्रयागराज के डिप्टी कमांडेंट जनरल संतोष कुमार को जांच सौंपी है। मनीष का पहले भी कई महिलाओं से रहा अफेयर। अधिकारियों के मुताबिक कमांडेंट मनीष कुमार का पहले से भी कई महिलाओं के साथ अफेयर के प्रकरण सामने आ चुके हैं। PCS ज्योति मौर्य के पति प्रयागराज के निवासी हैं और पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। शादी के बाद ज्योति मौर्य का PCS में चयन हुआ था। उनके पति ने अपनी शिकायत में कमांडेंट मनीष दुबे पर तमाम गंभीर आरोप लगाए। व्हाट्सएप चैट में साजिश रचने की बातचीत का दावा। सूत्रों के माने तो आलोक मौर्य ने अपनी शिकायत में कुछ व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया था, जिसमें दोनों उनकी हत्या की साजिश रचने का जिक्र है। उन्होंने दोनों के बीच 3 साल से अफेयर होने का दावा भी किया। जब उन्होंने इसकी सूचना प्रयागराज पुलिस को देने का प्रयास किया तो उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। वहीं ज्योति मौर्य की शिकायत पर उनके खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी क्या सही है क्या गलत, इस पर आना जल्दबाजी होगी, लेकिन इस पूरे मामले में नए नए खुलासे जरूर हो रहे हैं।